हेलो एवरीबडी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रिप्ट्रोफोन ऑपरॉन इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लैक ऑपरॉन और उसकी खास बात अगर हम समराइज्ड मैनर में बात करें तो ये है कि लैक ऑपरॉन इज एन इंड्यूसिबल ऑपरॉन दैट इज कंट्रोल्ड नेगेटिवली बाय मीन्स ऑफ लैक रिप्लेसर एंड पॉजिटिवली बाई मीन्स ऑफ एक्टिवेटर एक्टिवेटर का काम कौन करता है सी सी ए पी के लिए इंड्यूसर का काम कौन करता है सी ए एम पी के इसी तरीके से आ, रिप्रेसर का काम कौन करता है लैक रिप्रेसर और उसका जो इंड्यूसर है उसका काम कौन करता है एलोलेक्टोज मेजर डिफरेंस जो लैक ऑपरॉन का और ट्रिप्टोफोन ऑपरॉन का है वो दो मेजर डिफरेंस है पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि लैक ऑपेरॉन एक इंड्यूसिबल ऑपरॉन है जबकि ट्रिप्टोफोन ऑपरॉन एक रिप्रेसिबल ऑपरॉन है मतलब लैक ऑपेरॉन यूज़ुअली काम नहीं करता है जब लैक्टोज सेल को मिलेगा तभी वो काम करेगा जबकि ट्रिप्टोफोन ऑपेरॉन में सिचुएशन रिवर्स है यूज़ुअली वो काम करता रहता है जैसे ही ट्रिप्टोफोन मिलेगा वो काम करना बंद कर देगा यानी उसको रिप्रेस किया जा सकता है बाकी वो नॉर्मली अपना काम करता रहेगा तो अप्रोच बिल्कुल रिवर्स है दोनों ऑपरॉन्स में ऐसा क्यों है उसका कारण सिंपल सा ये है कि लैक ऑपरॉन बेसिकली जो उसके जीन्स होते हैं वो कैटाबोलाइट नेचर के प्रोडक्ट बनाते हैं कैटाबोलिक नेचर का ये ऑपरॉन है यानी उनके जो लैक ऑपरॉन जीन्स के जो प्रोडक्ट हैं स्पेशली बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो मेटाबोलाइट को तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, जबकि ट्रिप्टोफान के जो जीन्स हैं है। मतलब वो मिलकर ट्रिप्टोफॉन की बायोसिंथेसिस को एंश्योर करेंगे तो ऑलरेडी अगर ट्रिप्टोफॉन प्रेजेंट रहेगा तो ट्रिप्टोफॉन को फर्दर बायोसिंथेसिस करने की जरूरत नहीं है इसलिए जब तक ट्रिप्टोफान सेल के पास नहीं है तब तक ट्रिप्टोफान ऑपरॉन अपना काम करता रहता है और जैसे ही ट्रिप्टोफान अवेलेबल हो जाता है उसका एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है तो यूजली ऐसा नहीं है कि ट्रिप्टोफान ऑपरॉन सिर्फ अकेला ही ऐसा बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है बाकी जो दूसरे अमाइनो एसिड्स हैं वो भी सब इसी तरह से एनाबोलिक पाथवे से बिलोंग करते हैं और एनाबोलिक नेचर का ही उनका ओपेर होता है। ट्रिप्टोफान ओपेर की अगर हम बात करें तो इसमें पांच स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे जिनको ट्रिप्टोफान ए ट्रिप्टोफान बी सी डी ई ये हम बोल दिया करते हैं ओके okay? दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ट्रिप्टोफान ई e जो है जहाँ से स्ट्रक्चरल जीन शुरू होते हैं ट्रिप्टोफान ई डी सी बी ए जो कि आगे हम डायग्राम में देखेंगे तो सबसे पहला स्ट्रक्चरल जीन कौन सा आता है ट्रिप्टोफान ई e. उसके और प्रमोटर के बीच में एक और सीक्वेंस होती है जिसको हम बोलते हैं लीडर सीक्वेंस क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में वो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन उसका होता है वो लीड करती है ट्रांसक्रिप्शन में सो okay. लेट्स so, a लुक ऑफ द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ tryptophan ऑपरॉन इसमें आप आसानी से देख पा रहे हैं कि promoter के प्रमोटर और promoter के बीच की एक सीक्वेंस होगी जो ऑपरेटर का काम करेगी उसके बाद में आता है tryptophan एल दैट इज tryptophan लीडर रीजन और उस लीडर रीजन में ट्रांसक्रिप्शन पॉज साइट्स भी होंगी ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट्स भी होंगी उसके बाद आते हैं ट्रिप्टोफान जीन्स स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रिप्टोफान ई डी सी बी ए अगर इन सबका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रिप्टोफान ई e से फाइनली जो ट्रांसक्रिप्ट डेराइव होगी उसका ट्रांसलेशन अगर करते हैं तो एंथरनाइलेट सिंथेस ठीक है बी डी से भी एंथ्रैलिट सिंथेस का सेकेंड कंपोनेंट बनेगा ठीक है पी आर ए सिंथेस ट्रिप्टोफान सी जो जीन है वो भी पी आर ए आइसोमरेज को बनाता है बेसिकली और ट्रिप्टोफान बी और ए ट्रिप्टोफान सिंथेस की दो सब यूनिट्स बीटा और अल्फा को रेस्पेक्टिवली बनाता है ये सारे एंजाइम एक पाथवे को गवर्न करते हैं जिसके थ्रू कॉरिसमेट फाइनली ट्रिप्टोफान में तब्दील हो जाता है ओके okay? और इस डायग्राम में आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो लीडर सीक्वेंस है उसका साइज तकरीबन 162 सिक्सटी टू बेस पेयर होता है ओके okay? अब हम इसके रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं दो टाइप का इसका कंट्रोल हो सकता है दो तरीके से ये ट्रिप्टोफॉन ऑपरोन रेगुलेट होता है दोनों ही ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर है ओके और दोनों का नेचर कैसा है रिप्रेसिबल नेचर तो पहला केस आता है नेगेटिव रिप्रेसिबल कंट्रोल थ्रू रिप्रेसर और ऑपरेटर इंटरेक्शन यानी जैसे लैक ऑपरॉन में रिप्रेसर था वैसे ही ट्रिप्टोफॉन ऑपरॉन में ट्रिप्टोफॉन रिप्रेशर होता है ओके दूसरा जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड अटेनशन अटेनुएशन डिटेल में क्या है वो हम बाद में आगे बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव रिप्रेसिबल कंट्रोल नेगेटिव रिप्रेसिबल कंट्रोल में हम देखते हैं कि प्रमोटर से अपस्ट्रीम जोन पर एक जीन होगा ट्रिप्टोफान आर और वो ट्रिप्टोफॉन रिप्रेसर बनाता है ट्रिप्टोफॉन रिप्रेसर यूजली इनएक्टिव स्टेट में होता है जब ट्रिप्टोफान उसको मिल जाता है यानी ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड उसको मिल जाता है तो वो एक्टिव स्टेट में चला जाता है और एक्टिव स्टेट में जाने के बाद में वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाएगा और ऑपरेटर पे बाइंड करने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज ए प्रमोटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन किसी भी जीन का नहीं हो पाएगा ये था निगेटिव रिप्रेसिबल कंट्रोल अब हम बात करते हैं एट की के सिचुएशन में यह है कि प्रमोटर पर जब आर एन पोजीशन पोजिशन हो जाता है और वो अपना काम करना शुरू करता है मतलब ट्रांसक्रिप्शन जब करना शुरू करता है तो सबसे पहले वो ट्रिप्टोफान लीडर सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन करेगा और सोचिए उसका ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद ही तो स्ट्रक्चरल जीन्स आएंगे ई डी सी बी ए उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा अब तो सोचिए कि अगर ट्रिप्टोफान ई यानी जो पहला स्ट्रक्चरल जीन है उससे पहले ही आरएनए पॉलीमरेज मूव करके रुक जाए तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं अटेनोशन ओके इसका मतलब ये हुआ कि जब ट्रिप्टोफान की अवेलेबिलिटी हो जाती है तो आरएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू करने के बाद में भी बीच में रोका जा सकता है और अगर वो रुक जाता है तो उसको हम बोलते हैं अटेनशन बेसिकली अटेनशन दो इंपॉर्टेंट फीचर्स पे फैक्ट्स पे डिपेंडेंट होता है पहला ट्रांसलेशन डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूजुअली हम जानते हैं एक्सप्रेशन में ट्रांसक्रिप्शन पहले होने वाला इवेंट और ट्रांसलेशन बाद में होने वाला इवेंट होता है क्योंकि ट्रांसलेशन एमआरएनए का होगा और एमआरएनए की सिंथेसिस होगी तभी तो ट्रांसलेशन होगा लेकिन के केस, केस में ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड नेचर में होता है मतलब एम आर एन ए आगे आगे बनता चला जा रहा है और पीछे पीछे उसी बनते हुए एम आर एन ए पर राइबोसोम अलोकेट होते रहते हैं और ट्रांसलेशन वो करते रहते हैं तो ऐसा केस बैक्टीरिया में होता है इसलिए एटेनवेशन अभी तक प्रॉपर वे में बैक्टीरिया में ही स्टडी किया गया है okay. दूसरा जो मेज़र फैक्ट है वो ये है कि आरएनए मॉलिक्यूल्स के पास में ऐसी खूबी होती है कि वो इंट्रा मोलिकुलर इंट्रैक्शन कर कर अलग अलग टाइप की सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है इसलिए जैसे ही किसी जोन का कुछ हिस्सा एम आर के दूसरे जोन के हिस्से से कॉम्प्लीमेंटरीटी शो करता है तो वो उस सिचुएशन में एक ऑल्टरनेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना सकता है इन दोनों की वजह से ही अटेनवेशन पॉसिबल हो सकता है तो सबसे पहले हम बात करें कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट अटेनवेशन की कौन सी थी लीडर सीक्वेंस इस लीडर सीक्वेंस में क्या खास बात है इस लीडर सीक्वेंस में चार जोन हैं और वो जो चारों जोन हैं जो चारों सीक्वेंस पार्ट हैं वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंटेटी शो कर सकते हैं अगर उनको कॉम्प्लीमेंटेटी शो करने का मौका मिले और इसमें जो ये पहला जो रीजन होता है रीजन वन उसमें दो ट्रिप्टोफान के लगातार कोडोन्स होते हैं और ये एक ओ की तरह काम करता है ओपन रीडिंग फ्रेम की तरह काम करता है मतलब इसके पास अपना एक स्टॉप स्टार्ट कोडोन भी है और अपना एक स्टॉप कोडोन भी है। अगर इसका पूरा ट्रांसलेशन हो जाए तो 14 अमाइनो एसिड का एक स्मॉल पॉलीपेप्टाइड बनता है, ठीक है रीजन फोर के बाद में एक अटेन्यूएटर रीजन आता है अटेन्यूएटर जोन आता है अब वो किस सिचुएशन में वो अटेन्यूएटर जोन काम करेगा उसको जरा हम देखते हैं तो हम दो सिचुएशन लेते हैं पहली सिचुएशन जब सेल के पास में ट्रिप्टोफॉन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि बायोसिंथेसिस उसका करना पड़ेगा और इसके लिए ट्रिप्टोफॉन ओपेरॉन का एक्सप्रेशन होना जरूरी है अब ये जरूरत कैसे पूरी होती है जरा हम मोलिकुलर लेवल पे देखते हैं कि अगर ट्रिप्टोफॉन स्टार्ड सिचुएशन में है तो आरएनए पॉलीमर सॉरी जो राइबोसोम है वो रीजन वन पर कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा क्यों रुक जाएगा क्योंकि आर एन राइबोजोम का जो बेसिक काम होता है वो ये है कि ट्रिप्टोफेनल टी आर एन ए को लेकर आए और ट्रिप्टोफान कोडोन के अगेंस्ट में ड्रॉप कर दे अब यहाँ पे कोडोन तो ट्रिप्टोफान के दो लगातार हैं लेकिन ट्रिप्टोफानल टी आर एन ए नहीं मिल पा रहा है क्यों नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ट्रिप्टोफान स्टार्व सिचुएशन है यानी ट्रिप्टोफान सेल के पास में नहीं है तो ऐसे हालात में राइबोसोम रीजन वन पर कुछ टाइम के लिए अटक जाता है जिसकी वजह से रीजन टू जो होगा वो रीजन वन के साथ में पेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि रीजन वन चारों तरफ से किससे कवर्ड है एक बहुत बड़ी प्रोटीन स्ट्रक्चर राइबोसोम से कवर्ड है इस वजह से रीजन टू को मजबूरन किसके साथ पेयर करना पड़ता है रीजन थ्री के साथ पेयर करना पड़ता है और रीजन थ्री के साथ पेयर करने के बाद में रीजन फोर जो होगा वो रीज़न थ्री के साथ पेयर कर नहीं सकता क्योंकि थ्री ऑलरेडी टू के साथ पेयर्ड है ऐसे हालात में जो राइबोसोम होगा उसको रीज़न फोर के बाद में रोकने के लिए कोई अलग टाइप की स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती है और इस तरीके से ट्रांसलेशन आगे फर्दर प्रोसीड कर जाता है और यही हमें चाहिए था क्योंकि ट्रिप्टोफान नहीं है सेल के पास तो ट्रिप्टोफान को बनाने वाले जो एंजाइम्स है वो होने चाहिए इसका मतलब ट्रिप्टोफान ऑपरॉन का एक्सप्रेशन होना चाहिए यह तो था एक कंट्रोल सिचुएशन अब हम बात करते हैं रियल अटेनशन मैकेनिज्म जो आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रही है अगर ट्रिप्टोफॉन है सेल के पास में तो जनरल नोशन क्या निकलना चाहिए था है तो वो फर्दर और बनाने की जरूरत नहीं मतलब ट्रिप्टोफान ओपेरॉन का एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं यही होना चाहिए तो कैसे ट्रिप्टोफान की अवेलेबिलिटी ट्रिप्टोफान ओपेरॉन का आ, ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन का जो एक्सप्रेशन है उसको रोकती है उसका सिंपल सी कहानी है कि अगर ट्रिप्टोफान अवेलेबल है तो रीज़न वन के जो दो ट्रिप्टोफान कोडोन हैं वहाँ पे आसानी से एल टी आर एन आ जाएगा और राइबोसोम इमीडिएटली फोर्टीन अमाइनो एसिड की जो भी एक स्मॉल पेप्टाइड है उसको बना देगा और रीज़न टू पे आ जाएगा अब क्योंकि रीज़न टू जो है वो आर सॉरी राइबोज़ोम से कवर्ड है तो रीजन थ्री से वो बेस पेयर नहीं कर सकता और मजबूरी में रीजन थ्री को किसके साथ पेयर करना पड़ेगा रीजन फोर के साथ और रीजन फोर और थ्री जब बेस पेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि एक हेयरपिन जैसा सा स्ट्रक्चर बन जाता है और रीजन फोर के इमीडिएटली बाद में पोलियो सिचुएशन आ जाता है जो कि रो डिपेंडेंट सॉरी रो इनडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में बनने वाली स्ट्रक्चर के जैसा है और इस वजह से जो राइबोसोम होगा वो इस अटेनवेटर स्ट्रक्चर यानी अटेनवेटर स्ट्रक्चर कौन सी है रीजन थ्री और रीजन फोर जो मिलकर बनाते हैं और रीजन फोर के इमीडिएटली बाद में एक पोलियो स्ट्रैच आता है वो इस हिस्से को हम बोलते हैं अटेनवेटर तो राइबोसोम जब अटेनवेटर पे होता है तो वो अपना आ, फर्दर प्रोसीड करने का जो काम है वो नहीं कर पाता और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है और यही हमें चाहिए था कि जब ट्रिप्टोफान ऑलरेडी सेल में है तो फर्दर उसको बनाने का कोई मतलब नहीं है यानी फर्दर उसके जो एंजाइम्स हैं उनको एनकोड करने वाले जीन के एक्सप्रेशन की हमें ज़रूरत नहीं है अटेनशन जो मैकेनिज़्म है ये सिर्फ ट्रिप्टोफान के लिए में ही नहीं होती है ट्रिप्टोफान ऑपराउन के लिए नहीं होती है बल्कि कई सारे अमाइनो एसिड ऑपराउस के लिए होती है और इवन कुछ तो ऐसे अमाइनो एसिड ऑपराउ्स हैं जिनका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अटेनुएशन से होता है उनका कोई रिप्रेसिबल नेगेटिव कंट्रोल दूसरा तो होता ही नहीं है जैसे हिस्टिडिन और ल्यूसिन सो अटेनुएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना आप किसी भी तरीके से इसके बारे में बात करें काफ़ी अच्छे जो नेशनल लेवल के इंटरव्यूज़ और रिटर्न एग्जामिनेशन होते हैं उनके में भी इसको बहुत डिटेल में कई बार पूछा गया है कई बार सवाल बने तो बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा थैंक यू सो मच